आंटी दरवाजा खोलो आंटी। आ गया, अब भी बताता है। आंटी प्लीज आंटी दरवाजा खोलो। छोटे लोगों को लेकर आता है, है? है? क्या है गाय को इतना रात को चिल्लम चिल्ली करता है? आजू बाजू का लोग सोने का है ना। आंटी आपने क्या किया है, क्यों निकाल दिया अपने को आपने? तेरे को ऐसा चमकता बहुत तूफान करता है ना तू, है मेरे को तेरे जैसा लुच्चा अपना घर के अंदर नहीं मांगता है। तुम जाके किधर और रहने का बंदोबस्त कर लो, मेरे को तेरे साथ नहीं पड़ता। अरे अपने को अंदर आने दो ना। अरे अरे क्या करता है? आने दो आंटी, अपने को आने दो, अपने को क्या करता है, निकल भाग। आंटी आपने क्या किया है? अच्छा तुमको नहीं मालूम तुम क्या किया, हमसे पूछता है क्या किया है? कूल डाउन आंटी, कूल डाउन, थोड़ा बैठो, आओ आओ बैठो इधर। हाँ ऐसा ऐसा बैठो। देखो आंटी, सपना देखना कोई जुर्म है? आपका घर में किसी फ्रेंड को निलाने का नहीं, आपका घर में म्यूजिक नहीं सुनने का नहीं, आपका घर में बम नहीं मारने का नहीं, लेट नाइट बाहर को नहीं जाने का नहीं, और अपन आपका सारा बात मानते आया। लेकिन ये किधर का इंसाफ है आंटी कि अभी अपन ड्रीम भी नहीं देखने का? देख इधर देख, इतना छाना बनने का कोशिश मत कर, हम इतना बुढ़ा नहीं हो गया है कि आंखें खुला रख के सपना देखेगा, समझा? और हम तुमको पहले ही वार्निंग दिया था। वार्निंग दिया था कि नहीं दिया था कि छोकरी लेकर इधर आएगा तो तुम्हारा काम इधर से खत्म। तुम छोकरी लेकर आया, तुम्हारे इधर से काम खत्म। अब तुम निकलो इधर से, हमको सोने का है। देखो आंटी ऐसा मत करो, आपको पहले ही बोलता है अगर अपुन चला गया तो आपका इतना काम कौन करेगा? कौन सा काम? आपका बाजार कौन लाएगा, आपका गाड़ी कौन धोएगा, घर का रिपेयरिंग कौन करेगा, और संडे का संडे आपको चर्च कौन लेके जाएगा? बोलो, सोचो सोचो। कोई पन करेगा, कैसा भी होने का, पन हम तुमको इधर घर में रखने का इच नहीं है, तुम जाओ। आंटी नहीं ऐसा मत करो आंटी, अरे अगर आप निकाल देगा तो अपन किधर जाएगा आंटी, कौन है अपना इधर पे? अरे आप है तो अपने को इतना प्यार करता है, खाना बना के अपने को खिलाता है, अपन बीमार पड़ता है तो आप अपना दवा दारू करता है। आप अपने को निकाल देगा ना तो ये दुनिया वाले अपने को लात मारेगा कुत्ता का माफक। लेकिन फिर भी आप चाहता कि अपन जाए, अपन जाएगा जाएगा अपन यहाँ से। तुमको इधर रहने का तो फिर प्रॉमिस करो कि आगे से कोई पन छोकरी को इधर नहीं लाएगा। प्रॉमिस आंटी? ऐसा नहीं, कान पकड़ो, सॉरी बोलो और प्रॉमिस करो। ये कान पकड़ा, ये सॉरी बोला और ये प्रॉमिस किया। ठीक है अब तुम सो जाओ जल्दी से। ओ माय स्वीटी पाई आंटी, आंटी आई लव यू, यू आर अ डार्लिंग। चल। ओ आंटी देवयानी, देखो तुम्हारे वास्ते कितना अपने को झेलने को पड़ता है। इतना प्यार करने वाला तुमको मिलेगा कभी? हाँ मिलेगा। किससे बात करता है, भूत आया क्या? तो आंटी निकलो यहाँ से, चलो जाओ अभी। दीदी आओ। वीरू दीदी, आई वॉन्ट यू टू डू अ फेवर फॉर मी। हाँ बोलो। मैं शादी करना चाहता हूँ दीदी, मुझे प्यार हो गया, आई एम इन लव। अच्छा कौन है वो? आप जानती हो उसे दीदी? मैं जानती जी दीदी, देवयानी। अब दीदी अब क्या? यही दीदी कि अब मैं करूं क्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जब से मैंने उसको देखा मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन पता नहीं वो भी मुझे इतना चाहती है कि नहीं। लेकिन वो क्या नाम उसको, पोपो, वो बहुत पजेसिव है उसके बारे में। पता नहीं देवयानी भी उसे उतना प्यार करती है कि नहीं। नहीं, देवयानी पोपो को प्यार नहीं करती। आप कैसे जानती हैं? क्योंकि मैं देवयानी को काफी अच्छी तरह जानती हूँ। देवयानी पोपो से प्यार नहीं कर सकती। वो भी कुछ यहाँ से इस तरह गई कि उसको मैं बता ही नहीं पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं वो कभी जान भी पाएगी कि नहीं। मैं देवयानी पोपो से प्यार नहीं करती, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है। And don't you think वो बहुत छोटी है और तुम भी? ये वक्त अपनी पढ़ाई और काम में दिल लगाने का है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं दीदी? वीरू, देवयानी अपनी प्रॉब्लम्स में इतनी ज्यादा लिपटी हुई है कि और कोई मायने नहीं रख सकता उसके लिए। उसके अंदर खौलता हुआ खून इतनी आसानी से ठंडा नहीं पड़ेगा, और जब तक वो ठंडा नहीं पड़ेगा तब तक वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकेगी। लेकिन दीदी मैं भी तो मदद कर सकता हूँ उसकी। हाँ आई एम श्योर तुम उसकी मदद कर सकते हो। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि तुम उसके लिए बहुत फायदेमंद रहोगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकती।
वीरू बेटा, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, है ना? मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो। देवयानी की प्रॉब्लम्स बहुत गहरी है, उसमें मत उलझो। दीदी अब तो बहुत देर हो चुकी है। I'm already involved, दीदी। अरे काहे की इन्वॉल्वमेंट, तुम सिर्फ उसके साथ इन्फैटुएटेड हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी अपने आप को संभाल लो, वरना आगे चलकर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन क्यों दीदी? क्योंकि देवयानी कभी तुम्हें प्यार नहीं कर सकेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता दीदी, कभी नहीं। वीरू, प्यार वही इंसान कर सकता है जिसने बचपन में प्यार देखा है। देवयानी वैसी नहीं है। उसने अपने आसपास एक किला बनाकर रखा है, कोई उस तक पहुंच नहीं पाएगा और वो खुद बाहर निकल नहीं पाएगी, तुम भी नहीं। लेकिन दीदी मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसे प्यार की जरूरत है। मैं उसे बताऊंगा कि जिंदगी में प्यार बहुत जरूरी है। ये तुम्हारी उम्र बोल रही है। जिसने प्यार में चोट खाई है उसे प्यार जिंदगी की राह में कांटा लगता है। लेकिन दीदी जब उसने प्यार किया ही नहीं तो चोट कहां से खाई होगी? वीरू मैंने ये तो नहीं कहा कि उसने कभी प्यार किया नहीं है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि उसे प्यार कभी मिला नहीं है। फर्क है इसमें, देवयानी प्यार से डरती है। यू नो प्यार करना छलांग मारने जैसा है, सिर्फ निडर लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि देवयानी कभी भी अपने आप को सरेंडर कर पाएगी। लेकिन ये सब आप कैसे जानती है दीदी? पता नहीं, शायद मैं भी इस राह पर चल चुकी हूं इसलिए। लेकिन देवयानी मुझसे एक कदम आगे है, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि तुम इस सब को भूल करके काम में दिल लगाओ। जेरी का फोन आया था, वहां चिल्ड्रंस होम के लिए हमें सब तैयारी भी करनी है। एनुअल डे पास आ रहा है, यहाँ का काम खत्म करके मुझे फौरन ही बंबई जाना है। आप मुझे चैलेंज करके गई हैं दीदी, मैं आपको दीवानी का प्यार लेकर दिखाऊंगा। कैसी लगी? एक और कविता सुनाता हूं। ये मैंने आसान जेल में लिखी थी, पता है कब? 18 फरवरी तुम्हारे जन्मदिन पर, तो मेरा 5वां साल चल रहा था। आज ही का दिन था जब जन्मा था एक सितारा, ऊंचे आसमां में जो चमकता रहा खूब, मगर अकेला। किसने खोजा था उसे अनगिनत तारों के बीच? मैंने, शायद मैंने ही खोज कर मुट्ठी में रख लिया, इतनी बड़ी कहकशां से चुरा कर। पर जाने क्यों वो दूर, बहुत दूर होता गया छुटकर। बढ़ती दूरी के साथ बढ़ता रहा प्यार, बगैर उसके अंधियारा था आसमां, सुना था सारा जहां। अनबंधे हम बंद गए एक दूजे से, तभी एक सैलाब ने दूर कर दिया दोनों को। जन्म जन्म के साथी दो दूर कहीं जा खो गए, फिर हर रात अंधेरा होता जब, घुट घुट रोता है दिल मेरा, पर टिम टिम करता हरदम वो, सांसें बन बन के चलता है उस अंधेरे में, वो है बस इतना बस। अब एक सुबह के पहले बाकी होगी जब थोड़ी रात, जा पहुंचूंगा फिर मैं उस तक, और बाहों में अपनी लेकर ले आऊंगा धरती पे तारे को। बस एक सितारा होगा जग में, मेरा प्यारा तारा। I missed you. जबरदस्त थकान हो रही है अब। ओह, ये
चिल्ड्रंस डे फंक्शंस अब बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं मुझे. The older I get, the more difficult it gets. Ouch. और ये गर्मी, ओह, मान तलाई के बाद तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे कि भट्टी में बैठी हूँ यहाँ. ओह गॉड, क्या मौसम हो रहा था मान तलाई में अभी. देखते तुम तो मजा आता तुम्हें सच. इतना इतना ग्रीन और कूल और आहा. पिछले से 6 साल से कह रही हूँ चलो मेरे साथ एक बार. एक भी बार नहीं चले तुम. अगली बार चलना. इट्स एब्सोल्युटली. क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ? नहीं तो. ओह यू नो, मान तलाई में एक अजीब प्रॉब्लम खड़ी हो गई. वीरू एक रात मेरे पास आया, आके कहा कि वो शादी करना चाहता है. He's in love. I couldn't believe it. I mean, and पर वह लड़की कौन है? दीपक सेठ की बेटी देवयानी, वो भी वही थी. रिमेम्बर दीपक ना, तारा. उसने जब ये कहा ना मुझे तो 2 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल ही चुप हो गई. हमें अभी अभी तो शेयर किया, करना शुरू किया उसने, और अब शादी करने की बात कर रहा है. इतना बड़ा लग रहा था जैसे. क्या हुआ जेरी, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है. तुम्हारे साथ पिछले 10 साल से रह रही हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ तो जानती हूँ, मुझे मालूम है कि कोई प्रॉब्लम है. तो सुन लो, मैं तुम्हारे साथ वीरो के बारे में बात करना चाहता. मैं नहीं चाहता कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उस पर जबरदस्ती वीरो को हांक के ले जाए. जबरदस्ती? हाँ, 10 साल पहले जब तुमने ये तय किया था कि तुम यहाँ रहना चाहती हो लेकिन तुम अपने बिजनेस को नहीं छोड़ पाओगी. One minute. ये मैंने अकेले नहीं तय किया था, ये हम दोनों ने मिलकर के फैसला लिया था क्योंकि हम एक साथ रहना चाहते थे इसलिए. ठीक है, लेकिन मैं उस वक्त भी तुम्हारे इस बिजनेस के हक में नहीं था. चेरी तुम्हें मालूम है मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस वक्त, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. लेकिन जब हमने ये सब कुछ तय किया था तो उस वक्त हमने ये भी तय किया था कि तुम्हारा ये बिजनेस हमारे इस घर के चलाने के बीच में नहीं आएगा. और वो नहीं आया है, मैंने उसे आने नहीं दिया है. दोनों हिस्से बिल्कुल अलग हैं. तो आपने भड़काया दीदी को मेरे बारे में? हिम्मत कैसे हो? तुम कैसी बात? बहुत बदतमीज रवैया है ये तुम्हारा. हाँ है. आज तक आप मुझ पर डिसिप्लिन जबरदस्ती थोपते हैं. अंदर आने से पहले नॉक करना, अपने जिम्मेदारी संभालना, तमीज से बात करना, और मैं ये सब कुछ चुपचाप पोलू के बैल की तरह सहता रहा. लेकिन अब नहीं सहूंगा, नहीं सहूंगा मैं. किसने दिया आपको हक मेरी जिंदगी तबाह करने का? हम कल सुबह इसके बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा. तब तक तुम शायद होश में आ जाओगे. इस वक्त शायद कोई ऐसी बात हो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े. ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ. मेरे भले के लिए कह रहे हैं? जो चीज मुझे पसंद हो उसको छुड़वा कर मेरे भले की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है. जो चीज अच्छी दिखती है वो होती नहीं, और जो चीज अच्छी नहीं दिखती है वो होती है. बेटे अपने जज्बात को अलग रखकर तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है. जिंदगी में पसंद और नापसंद के लिए गुंजाइश बहुत कम है. सबसे बड़ी बात है जिंदगी को समझ लेना, उसकी परख कर. परख परख परख, तंग आ गया हूं मैं ये सब सुन सुनकर. कान पक गए हैं मेरे. बस अब मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा. मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसके लिए दिल गवाही ना दे, और अपनी झूठी समझदारी दिखाने के लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा आपकी तरह.
अब तुम हद से बाहर निकल रहे हो। हाँ निकल रहा हूं मैं। झूठी असूलों की बनाई गई हर हद को पार कर लेना चाहता हूं। मेरी उसे मैं जीना चाहता हूं, क्या मुझे उसका भी हक नहीं पढ़ना चाहता मैं, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं। और नहीं जाना मुझे ऐसे कॉलेज में जहां पे हर लड़का भिखारी की ढेर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब बहुत हो गया, तुम सीधे से अपने कमरे में चले जाओ, हम फिर कभी बात करेंगे सुकून से। हम आज ही बात करेंगे, अभी बात करेंगे। मैं आज तक वही करता है जो आपने चाहा, लेकिन आज जब मैं चिल्ड्रन होम को नहीं संभाल पा रहा तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मानता हूं मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि आप मुझे दूसरी तरह से बेबस करके काम करवाए। कितना छिछला खेल खेला है आपने। क्यों, कोई गलत तो नहीं कहा मैंने? एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ आपको, अगर दीदी ने मुझे नौकरी से निकाल भी दिया तब भी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं और अपने बलबूते पे नौकरी करके दिखाऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा, जो मेरा दिल चाहेगा। कोई मेरी जिंदगी के फैसलों में दखल दे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। मालूम नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो, कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूं। आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते आप मेरे क्या लगते हैं? मैं बताऊं आप मेरे क्या लगते हैं? आप मेरे कुछ नहीं लगते, आप मेरे बाप नहीं है जिनसे डरू या जिसकी बात मानू मैं। वीरू! हाँ, आप मेरे बाप नहीं है, आप मेरे कुछ नहीं लगते। यू आर नॉट माय फादर। बेटी ये मैं क्या सुन रहा हूं, मैंने तुम्हें पाला है, अपनी सारी जिंदगी भुला कर अपना वतन, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने सारे रिश्ते को छोड़कर अपनाया है तुम्हें, और आज तुम इतने एहसान फरामोश हो गए हो कि मुझे अपना कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। इतने एहसान और कुर्बानियां गिनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो किया अपने लिए किया, अपने गर्ज के लिए किया आपने। मेरा अपने इसमें क्या मतलब था बोलो, तुम्हें अपनाने से मुझे क्या मिला है बोलो। अगर मुझे मालूम होता कि तुम ऐसे निकलोगे, मैं तुम्हें उस जंग में मरने देता। यही बदला चुकाया तुमने मेरे प्यार और परवरिश का? क्या यही सजा मिल रही है मुझे तुम्हें अपनाने की? नहीं, यह सजा मुझे अपनाने के लिए नहीं मिल रही आपको। मेरे माँ बाप को बेरहमी से मार डाला, इसकी सजा मिल रही है आपको। आपने जो किया अपने लिए किया, अपने खुद के सुकून के लिए किया। गुनाहों की आग में जल रहे थे आप, उनको ठंडा करने के लिए किया ये सब आपने। अपने मेडल्स के लिए आपने मेरे बेकसूर माँ बाप को खून कर दिया, और इसकी तोहमत मुझ पर लगा रहे आप। निकल जाओ यहां से। जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखूंगा मैं। निकल जाओ यहां से। याद रखूंगा। निकल जाओ यहां से। चिल्लाओ, किस पे चिल्ला रहे हो तुम? तुम्हारे लाडले पर, तुम्हारे चहेते पर, तुम्हारे वीरू पर। आज उसकी हिम्मत आ गई कि मुझे छोड़ के चला गया, तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें इस घर में कभी आना नहीं चाहिए था, तुम्हें मेरे इस घर में कभी आना नहीं चाहिए था। तुम शैतान हो, तुम शैतान हो। आज मैं हार गया, मैं वीरू के लिए मां बाप नहीं बन पाया, हार गया। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ यहां से, तुम भी चले जाओ।
Thank you.